तो ये एक्चुअली एक शंख है। और ये पूरा जो ये गोल सर्कल है यहाँ पे, आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है सबका पोर्ट्रेट वगैरह लगाया हुआ है, तो यार बहुत ही बढ़िया क्रिएटिविटी है यार। मैं पूजा के मेन दिन में आता तो शायद इतनी आसानी से इतनी भीड़ में पहुंचना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि लास्ट ईयर यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी बनाया गया था, और उस बुर्ज खलीफा के पंडाल को देखने के लिए मेरे मामा को लिटरली 4 घंटे तक वेट करना पड़ा, वो भी सिर्फ बाहर से देखने के लिए। तो यार पूजा के टाइम में यहाँ पे एंड अ फ्लैशबैक और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो सेकंड डे एट कलकत्ता, अभी वैसे 9:30 बज रहा है और मैंने अभी अभी बस वीडियो को अपलोड किया, प्रोसेसिंग हो रही है, थंबनेल वगैरह कुछ एडिट भी नहीं किया है, तो थोड़ी देर में करूँगा। तो अभी बस निकला हूँ मैं, सामने दुकान जा रहा हूँ, दूध वगैरह लाना है, दूध कॉफ़ी वगैरह लेके आना है। तो यार जस्ट बिकॉज अभी तो फैमिली के साथ हूँ, हाउस होल्ड कोर्स डेफिनेटली करना पड़ेगा, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा स्ट्रीट्स वगैरह भी एक्सप्लोर कर लेंगे अकेले। कल तो शाम को मामा के साथ ही घूम रहा था और कुमुरतुली तो अकेले ही आया था, तो सही था कल का भी सफ़र। और कल का वीडियो जो मैंने अभी अभी अपलोड किया वो भी आप लोग देखिएगा, बहुत तगड़ी बनी है। कुमुरतुली का जो ये मतलब मेरा कल का पूरा ब्लॉग था, ये साल में वैसा सिनेरियो बस एक ही टाइम में देखने को मिलता है, वो है दुर्गा पूजा में, और इसलिए मैं कल गया शाम को। मामा ने एक्चुअली मुझे बोला था कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो डेफिनेटली उस ब्लॉग में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वो ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर स्टार्ट और देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या हो सकता है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सिलीगुड़ी के कंपैरेटिवली यहाँ पे सनलाइट में थोड़ी ज़्यादा हीट लगती है, सिलीगुड़ी में इतनी भी ज़्यादा हीट नहीं लगती। सिलीगुड़ी का वेदर ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है। कलकत्ता है तो यार गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है यहाँ पे। माय उबर इज हियर। वैसे अभी 3:30 बज रहा है और अभी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो सोनारपुर में ही हूँ अभी, कॉलेज का यहीं पे हूँ, फर्स्ट टाइम तो आ रहा हूँ कॉलेज। थोड़ा इधर आसपास घूम लेते फिर चलेंगे घर, भूख लग गया है, खाना भी खाना पड़ेगा। तो अभी और एक रैपिडो में सुबह जब निकला था कितनी धूप थी, और अभी हल्की हल्की बस बारिश होने वाली थी, मुझे लग रहा था कि बारिश हो सकती है पर फिर बारिश हुई नहीं, थैंक गॉड घर पहुँच गया, वरना भीगना पड़ता आज। तो एग्ज़ाम देने के बाद से तो मैं आया, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रहा था। एक्चुअली व्लॉग बनाने के लिए पहले निकल जाता पर एग्ज़ाम का टाइमिंग चेंज हो गया था। जी हाँ वैसा होता है, ऐसा हुआ आज मेरे साथ। सुबह 10 बजे एग्ज़ाम होने वाला था, नहीं सॉरी 11 बजे करीब, पर कल रात को ग्रुप में मैसेज आता है कि दोपहर को एग्ज़ाम हो गया 1 बजे से, तो फिर मेरा पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया और मैं कहीं जा नहीं पाया। फिर दोपहर को आके थोड़ा देर रेस्ट कर रहा था और अभी 6 बज रहा है तो अभी लोग निकल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ का जो आसपास का लोकल मार्केट है उसी को एक्सप्लोर करने वाले, तो अभी तक पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल हूँ एक्रोपोलिस मॉल के यहाँ पे और तब से ऑटो खोज रहे पर मिल नहीं रही है, देखते हैं अब कब तक मिलेगी। तो फिलहाल तो मैं गोड़ियार मोड़ पहुंच चुका हूँ, यहीं पे पास में एक लोकल मार्केट है। यार बहुत भयंकर भीड़ है स्पेशली क्योंकि अभी पूजा का टाइम है, और यहाँ पे शायद कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहे थे जिसकी वजह से और जाम लगी हुई है। इतना भीड़ देखकर तो मुझे अब डर लग रहा है, मतलब कोविड का टाइम का याद आ रहा है यार, क्या टाइम था 1-1.5 साल पहले और अभी यार क्या जी रहे यार सही में। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। बाप रे यार कितनी भयंकर भीड़ है। तो यहाँ का भीड़ देख के मुझे मेरी हांगकांग मार्केट की याद आ रही है सिलीगुड़ी वाली। तो एक बार सिलीगुड़ी जाके पूजा के टाइम में हांगकांग मार्केट का भी ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो मिलेगी, थोड़ी बहुत मतलब हमारे सिलीगुड़ी के रेसिडेंस के हिसाब से तो बहुत है।
अभी हम लोग ये लोकल मार्केट से आगे बढ़ रहे हैं एक डलिया की तरफ। तो यार फर्स्ट पंडाल विजिट है। खुला है ना? खुल चुका है ना? हाँ खुला नहीं है। नॉट श्योर, श्योर नहीं हूँ। मामा भी श्योर नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूँ। देखो आलो ये आलो आकाश, देखो आकाश। तो ये अभी ऑफिशियली खुला नहीं है, मे बी 2-3 दिन में खुल जाएगा, पर मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि तब तो मैं रहूंगा सिलीगुड़ी में। छोटे हवा पागल परा। तो यहाँ पे अभी यही पंडाल के पास में और एक पंडाल है जहाँ पे अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये भी वैसे हाफ कवर्ड है पर अंदर में जो मूर्ति है वो विजिबल है, तो एक बार मैं आप लोगों को वो मूर्ति दिखा दूं। भोरे थाकुक आमार मुठो दुई चोखे। यहाँ पे ये बहुत सारी दिया वगैरह लगाई गई है, तो ये सब लाइट्स है। मेरे को लगा असली में मतलब ये सब जलने वाली है। तो अभी आपको देख के ये कोई बिल्डिंग लग रहा होगा पर एक्चुअली ये बिल्डिंग नहीं है, एक पंडाल है। बहुत ही सुंदर काम किया गया यार, सही में बहुत रियलिस्टिक लग रही है एक्चुअली ये। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं अंदर से एक्सप्लोर। तो मूर्ति पूरी ढकी हुई है पर तभी भी मैं साइड से एक करके अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से ऐसे फुटेज लेना बहुत मुश्किल है पर तभी भी मैंने थोड़ा बहुत लिया। तगड़ी बैकग्राउंड लाइटिंग आप देख सकते हो यार, तीनों तरफ लेफ्ट राइट ऊपर बहुत तगड़ी लाइटिंग है, बहुत तगड़ी, मतलब देख के मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे अभी सब जगह मतलब ऐसी टाइप की लाइटिंग ही ज़्यादा देखने को मिल रही है जो मतलब दूर से देखने में 3D लगती है एकदम। तो सिलीगुड़ी का मतलब मुझे अभी तक पता नहीं है, तो वो तो मुझे अभी घर जाके पता चलेगा कि वहाँ पे हमें ऐसी देखने को मिलेगी या नहीं। देख सकते हो आप लोग यार बहुत तगड़ी है, मतलब अगर सारा ब्लॉग ही ऐसी लाइक्स में बने तो यार ब्लॉग देखे तो और मजा आएगा। तो ये एक्चुअली एक शंख है जहाँ पे आप ऊपर एक मूषक राज को देख सकते हो, बहुत बढ़िया। मुझे एक्चुअली ऐसे ब्लॉग बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी भी देखा मतलब साइड से जब लाइट आ रही है तो बहुत तगड़ी लग रही है फुटेज। तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से लेके सबकी यहाँ पे फोटोज वगैरह या फिर पेंटिंग्स, मैं मुझे जहाँ तक लगता है ये सब हैंडमेड है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी लग रही है एक्चुअली देखने में, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब एक्चुअली फांसी का फंदा है। तो यहाँ पे आसपास सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली देश के लिए जान दिया है, तो कुछ इस थीम पे, एक पेट्रियोटिक थीम पे ये पूरा पंडाल बेस्ड है। तो यार फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी सारे पंडाल्स घूमने के बाद एक कंप्लीट पंडाल अभी देखने को मिल रहा है। तो यार चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे पंडाल से कितनी अच्छी से ये सजाई गई है। ये एक्चुअली हमारी देश की जो फ्रीडम इंडिपेंडेंस की जर्नी है उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सही में यार बहुत सुंदर है। Thank you.
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यार, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा एक्चुअली मुझे ये, मतलब सामने दुर्गा माँ की मूर्ति और पीछे हमारा अशोका चक्र, और ये पूरा जो ये गोल सर्कल है यहाँ पे, आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है सबका पोर्ट्रेट वगैरह लगाया हुआ है, तो यार बहुत ही बढ़िया क्रिएटिविटी है यार, सही में यार क्रिएटिविटी एट इज बेस्ट, बहुत बहुत ही अच्छी प्रतिमा है, बहुत ही अच्छी। आज 26th ऑफ सितंबर है और आज ज़्यादातर पंडाल्स वगैरह पूरी तरीके से खुली नहीं है, तो अभी एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि कम्प्लीटली विजिटर्स लोग के लिए खुली नहीं है। तो मैं बहुत ही आसानी से आ गया कलकत्ता के शहर में यहाँ पे पंडाल देखने के लिए, क्योंकि अगर यार मैं पूजा के मेन दिन में आता तो शायद इतनी आसानी से इतनी भीड़ में पहुँचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे मामा ने मुझे बोला कि ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग जाते, कि जैसे कि लास्ट ईयर यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी बनाया गया था और उस बुर्ज खलीफा के पंडाल को देखने के लिए मेरे मामा को लिटरली 4 घंटे तक वेट करना पड़ा, वो भी सिर्फ बाहर से देखने के लिए। तो यार पूजा के टाइम में तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो जस्ट बिकॉज अभी पूजा कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ नहीं यहाँ पे, उसकी वजह से मैं तो यहाँ तक आ गया, वरना यार सही में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया का भी नाम हिंदुस्तान पाथ है, तो हमें उसी थीम, हिंदुस्तान पाथ या फिर हिंदुस्तान रोड, तो हमें उसी थीम के बेस जो पंडाल है वो देखने को मिली, एकदम पेट्रोटिक थीम है, तो देखिए यार सही में बहुत अच्छा लगा। एंडिंग द डे विथ रसमलाई, देखिए रसमलाई लास्ट होगी आज का डिश, पर एक्चुअली आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया था, मुगलाई परौठा खा लिया था यार, बहुत तेल था उसमें। अब वही है कि अभी पूजा का टाइम चल रहा है तो यार ये सब चलते ही रहेगा, तो मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, तो बहुत दिनों के बाद खा लिया और बहुत हैवी था एक्चुअली यहाँ का। तो चलिए करते आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड, कल लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट किया सेकेंड डे एग्ज़ाम का, आज 2 एग्ज़ाम था कल 2 हो गया। आज के ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल के दूसरे ब्लॉग्स को देखना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग चलाता रहता हूँ। तभी कृपा आई टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद आउट्रो बोल रहा हूँ, वरना इतने दिनों से तो ऐसे ही बंद कर रहा था। चलो कल मिलते हैं भाई।